आई एम कमल सिंह हीर एंड वेलकम टू माई चैनल। सो हम सब लोग ही बहुत ज़्यादा अपने पेट से परेशान हैं, हमारे बेली फैट से परेशान हैं कि बेली फैट कैसे रिड्यूस किया जाए। तो अभी मैं उसी के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ रहा था, मैंने बहुत सर्च किया, बहुत सारी चीज़ें मुझे पता थी, मैंने उन सब चीज़ों को ऐड करके 10 थिंग्स लिखी हैं जो मैं आप लोगों को बताऊँगा, जिससे आप अपना फैट का बेली फैट रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, नंबर वन हमारी लिस्ट में है, क्योंकि बहुत लोग नहीं करते हैं, वो है हमारा फाइबर। फाइबर नहीं खाते हैं, फाइबर बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी को फाइबर मिलेगा वैसे ही हमारा फैट जो हमारा बेली फैट है वो रिड्यूस होगा। जो सॉल्युबल फाइबर होता है वो हमारा बॉडी का फैट रिड्यूस करता है। सेकेंड थिंग जो मैंने में लिखी है वो है अवॉइड करना है ट्रांस फैट को। बहुत सारे ऐसे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें ट्रांस फैट होता है, तो हमें उस ट्रांस फैट को रिड्यूस करना है, वो ट्रांस फैट नहीं लेना। थर्ड है हमारा हाई प्रोटीन डाइट। इंडियन फैमिली में, इंडियन में हम लोग ज़्यादा प्रोटीन नहीं लेते हैं, प्रोटीन हम ज़्यादातर दाल से ले लेते हैं, पनीर हो गया, एंड फॉर नॉन वेजिटेरियंस इट इज़ चिकन खा लेते हैं, लेकिन ज़्यादा हाई प्रोटीन नहीं हो पाता, उससे भी प्रोटीन हमारा उतना कवर अप नहीं हो पाता। एज अ रेगुलर पर्सन भी मेरे हिसाब से अपनी बॉडी के 1 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। लाइक आई एम 70 kg, तो मुझे 70 ग्राम प्रोटीन पर डे लेना चाहिए एज अ नॉर्मल पर्सन। तो मैंने थर्ड था लिस्ट में हाई प्रोटीन डाइट। फोर्थ है हमारा जो कि काफ़ी लोग करते हैं, वो है अल्कोहल। वी शुड अवॉइड अल्कोहल नॉर्मली भी और वैसे भी किसी भी, इट इज़ नॉट गुड फॉर अस। अगर ज़्यादा लेंगे तो फैट क्या, वो तो सारे ऑर्गन्स भी डिस्ट्रॉय करेगा, सो वी शुड अवॉइड अल्कोहल। फिफ्थ है हमारे लिस्ट में वो शुगरी फूड्स। जितने फूड्स में शुगर होता है, सेम लाइक मिठाइयाँ हो गई, ये सब चीज़ें, ये सबको नहीं, मतलब रिड्यूस करना है, कम खाना है। अब मन तो करता ही सभी के खाने का, लेकिन कम खाना है, तो शुगरी फूड रिड्यूस करना है। ये तो हमारी हो गई डाइट के बारे में। अब हमारी एक्सरसाइज में हमारा ऐसे है कि हमें कार्डियो करते होंगे, कई लोग करते हैं, उससे भी नहीं फैट रिड्यूस हो रहा पेट का, तो उसमें क्या उनकी गलतियां हो रही हैं कि उन्हें ऐप्स लगाने चाहिए, डेली ऐप्स लगाने चाहिए। कोई लोग ऐसे करते हैं, एक दिन कार्डियो, एक दिन ऐप्स, एक दिन कार्डियो, एक दिन ऐप्स, ऐसे मत कीजिए। एक दिन आप अपर ऐप्स ट्रेन कीजिए कार्डियो के साथ, एक दिन कार्डियो के साथ लोअर ऐप्स ट्रेन कीजिए, फिर अगले दिन फिर से अपर ऐप्स विद कार्डियो, ऐसे करके अपनी प्रोग्रेस रखिए। ये हो गया हमारा ऐप्स एक्सरसाइज, होगी डेली हमारी। हमारे हैं अब नेक्स्ट पॉइंट में है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते हैं कई लोग, नॉर्मली बस जिम में जाते हैं, 5-5 किलो लिया, एक्सरसाइज किया, ख़त्म किया, बस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना। तो आप लोगों को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए। ये हो गया हमारा, कितने पॉइंट हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 पॉइंट्स हो गए हैं। 9th पॉइंट है जो हमारा है वो है प्रोग्रेस ट्रेनिंग, लाइक प्रोग्रेस ओवरलोडिंग करनी है हमें। लाइक अगर जैसे आप 1 मंथ आपने जिम किया है, उसमें आप अप्रॉक्स जैसे नॉर्मल फॉर अ बिगिनर्स आप 10 kg से लगा रहे हैं, आर्म्स ट्रेन कर रहे हैं 10 kg से, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फर्स्ट मंथ भी 10-10 से कर रहे हैं तो थर्ड मंथ भी आप 10-10 पे ही हैं। यू शुड लाइक इंक्रीज योर वेट, जो आप एक्सरसाइज लगा रहे हैं उन्हें इंक्रीज करना चाहिए। जैसे आज आप 10 किलो लगा रहे हैं तो 1 महीने बाद उसे 15 कीजिए, उसे बढ़ाइए, क्योंकि अगर आपको बॉडी में वॉल्यूम चाहिए, मसल का वॉल्यूम चाहिए, तो आपको अपना वेट का भी वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। ये हो गया हमारे। और एक जो लास्ट है, 10th है हमारा, जो कि नॉर्मल है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा, बहुत नॉर्मल है, बहुत बेसिक है, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ये वो है जंपिंग। जंपिंग आपको नॉर्मल आराम से घर पे भी करनी चाहिए। जंपिंग से क्या है, आपकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा बर्न होती है, रनिंग से भी ज़्यादा आपकी कैलोरीज जंपिंग में बर्न होती है, तो आपको जंपिंग करनी चाहिए। तो सर ये थे मेरे 10 पॉइंट्स फॉर फैट लॉस। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।